पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। क्या हाल है आप सबके? और ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और जिसने चाय पीनी है मेरे साथ तो आ जाए। सुबह सुबह चाय ना मिले तो आपको पता है मजा नहीं आता सुबह का। गोश्त खा खा के थक गए हैं यार। रात को गोश्त, सुबह गोश्त, शाम को गोश्त, दोपहर को गोश्त, गोश्त गोश्त गोश्त। अब दिल ही नहीं करता। मैंने कहा आज का नाश्ता हल्का फुल्का करते हैं, चाय पीते हैं, साथ में बिस्किट खाते हैं। फीकी चाय, मीठे बिस्किट। बीच में जरूर दिखा रहा है चीनी है कि नहीं है। तो गाइस सुबह सुबह मजेदार सी फीकी चाय अदरक वाली आप लोगों ने पीनी है तो मोस्ट वेलकम आ जाए। सुबह हो गई है, अब सारा दिन देखो अब क्या करना है, हमने क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, वो सब आपको दिखाएंगे। अभी तो ये मॉर्निंग हुई है। मॉर्निंग का गला भी इतना देखो बैठा हुआ है। सुबह सुबह जब उठो तो गला ऐसे ही होता है, फटीक चल गला, जैसे स्पीकर फट जाता है ना उसकी आवाज आती है, वैसे गले की आवाज होती है सुबह सुबह। सो गाइस अभी नाश्ता कर रही हूँ, फिर क्या करना है वो आपको दिखाएंगे। ओके, गाइस सफाई टाइम। आपको पता है जो है ना ये ईद पे गोश्त की वजह से और जो है ना ये कुर्बानियाँ की हैं उसकी वजह से इतनी मक्खी हो गई है ना घर में, समझ नहीं आ रही। खैर पहले भी हम फरनैल के लगाते थे लेकिन आज मैंने बहुत सारी फरनैल डाली है और सरफ डाला है। ये देखें ये बन गए आप फरनैल और सरफ वाला पानी। अब इसकी टपड़ी लगाएंगे, इससे मक्खी जरासीम स्मेल हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, जान छूटेगी। तो अब करते हैं घर की सफाई। चले किधर है जी गाइस, अब कमरों से लग गई है, अब यहाँ से लगाएंगे। मक्खियाँ तो जाना अजाब बन गई हैं कसम से। अब जब तक फरनैल ना लगाओ घर साफ ही नहीं होता, ना मक्खी खत्म होती है। तो आप लोग भी जब भी टपड़ी लगाएं फरनैल डालें, सरफ डालें, हो सके तो थोड़ा सा डिटोल भी डाल लिया करें। पीछे हो जाओ कैमरामैन। एक तो देखो फ्लश चमक गया, साफ सुथरा हो गया, और ये जो मक्खियां अभी नहीं आ रही है ना ये अभी खत्म हो जाएंगी। ये ज्यादा ज्यादा लगा के ना फिर मैं वेपर लगा देती हूँ इसमें। वेपर लगाने से ना और साफ हो जाता है। गाइस गरम गरम समोसे, ये ईद मनाई जा रही है। मैंने कहा क्यों ना आज समोसे खाए जाए, गरम गरम गोश्त खा खा के थक गए हैं, अब दिल नहीं करता गोश्त खाने। तो अभी हम खाएंगे समोसे, ये देखें, और इतने मजेदार और स्पाइसी होते हैं ना ये बहुत ज्यादा। क्रिस्पी भी बहुत होते हैं ये, और स्वाद में चटनी ही वो भी इतने सारे। हाँ 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 हाँ
चटनी ऐसे जैसे लस्सी हो। ये देखिए, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा, एकदम जल्द जल्द सारे खा लो, एकदम गरम गरम और मुझे एकदम मजेदार है। हाँ, आपके मुंह में पानी आ रहा है ना, जाओ लो और खाओ। मैं भी खा रही हूँ, आप भी खाओ, ठीक है। आ जाए गाइस, दही खा ले। ये मेरा टाइम है दही खाने का। सुबह मैंने नाश्ता किया था, आपको पता है, चाय का और एक दो बिस्किट खाए थे। अब इस टाइम मैं दही खाती हूँ, रोजाना मेरी रूटीन है, तो दही खानी चाहिए। आपको पता है दही के बड़े फायदे हैं। मैं चीनी नहीं डालती दही में, ऐसे ही खाती हूँ। आप लोग भी खाया करें, इससे फ्रेश रहता है इंसान, मैदा भी फ्रेश, चेहरा भी फ्रेश, हर चीज फ्रेश। ये दूध नहीं है, ये दही है। ये मुझे कुछ नहीं खाने देते भाई। ये देखो, ये देखो, भूखे के काम देखो। हाँ जी, हाँ, अब गर्दी थक गई है या ना थक गए, नहीं खाने दे। ये ले, नहीं है, अरे कहाँ है? गाइस आप भी खाया करो दही, मैं रोजाना खाती हूँ, इसके बगैर गुजारा नहीं है मेरा। 1 किलो दही रोजाना खाती हूँ, रात को 1 किलो दूध भी पीती हूँ। सो मिलते हैं फिर दूसरे व्लॉग में, फिर गपशप करेंगे, फिर बातें करेंगे, फिर दिखाएंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। इस टाइम मैं अपने लड्डू को दही खिलाती हूँ, लड्डू दही खा रहा है, इसको भी खिलाती हूँ, खुद भी खाती हूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, मेरा लड्डू कैसा लगा। लड्डू को दही खिलाती हूँ अभी मैं। ओके गाइस, लव यू, बाय। लड्डू दही डालो, आपको इसका बर्तन लग लिया।